मैं लोकसभा चुनाव 2019 का बलिया लोकसभा सीट 72 से सीपीआई पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं ये चुनाव अपने लाखों किसान भाइयों की आवाज़ को सरकार के बंद कान तक पहुँचाने के इस जंग में उतरा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हजारों किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन कभी भी कोई सरकार इन आत्महत्या के असल मूल कारण तक पहुंचना नहीं चाहती। कागजी कार्रवाई के बाद उस बात को वहीं दबा देती है। लेकिन आखिर ये किसान आत्महत्या करते क्यों हैं, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जहां कई कई करोड़, कई कई सौ करोड़ रुपए पूंजीपतियों के सरकार लोन के रूप में उन्हें देती है और फिर धीरे से उन्हें माफ भी कर देती है, लेकिन जब किसानों की बारी आती है तो पूरे टीवी चैनल और अखबारों में वो हल्ला कर करके चिल्ला चिल्ला के किसानों के लोन माफ़ी की बात करती है, वादा करती है। तो ये दोहरी नीति सरकार बनाती है, पूंजीपतियों के लिए एक अलग नीति, गरीब किसान मजदूरों की एक अलग नीति। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश किसानों का, जवानों का और नौजवानों का है और किसानों की ही आवाज़ को जनता के बीच में और सरकार को चेताने के उद्देश्य से मैं इस बार बलिया लोकसभा सीट से सीपीआई का प्रत्याशी हूँ। धन्यवाद।